गाना गाने जा रहा हूँ, यीशु मसीह भरोसा मेरा। अगर आपको ये गाना आता है तो आप मेरे साथ इस गाना को आप गा सकते हैं। सुरक्षित होंगे और प्रभु के साथ आप संगति कर रहे होंगे, उनसे प्रार्थना और आराधना कर रहे होंगे। और आज के दिन मैं आपके लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेसन लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये जानते हो क्या है मेरे हाथ में। ये कीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज है इसमें, और हो सकता है ये की दरवाजे का हो सकता है ये की कार का हो सकता है ये अलमीरा का की हो। तो की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की मेरे पास है और इसको हम लोग
लॉक को, किसी भी लॉक को या ताले को अनलॉक करने के लिए यूज करते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज को अनलॉक करने के लिए एक की है, लेकिन क्या ये की हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकती है? नहीं। क्या ये हमें स्वर्ग तक ले जा सकती है? नहीं। ये हमें ना स्वर्ग तक ले जा सकती है और ना हमें परमेश्वर के पास पहुंचा सकती है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी जिसमें हम जान सकते हैं कि वो की या वो रास्ता कौन है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं और परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैं एक बार की घटना बताना चाहूंगी। बाइबल में यूहन्ना अध्याय 14 में उसमें चेले जो है यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है अब जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ और जहां मैं जा रहा हूँ वहां तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं आऊंगा तो तुम सबको वहां ले जाऊंगा। तो उसमें एक चेला जो थॉमस था, थोमा, उसने कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता आप कहाँ जा रहे हैं और तो मार्ग कैसे जानूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम बहुत साल पीछे जाए जब यीशु मसीह नहीं थे उसमें परमेश्वर लोगों से बात करते थे और जब जगत की सृष्टि ही हुई थी और परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया और मनुष्य से सबसे ज्यादा प्रेम किया, हम इस बात से जानते हैं कि उन्होंने मनुष्य की सृष्टि करने से पहले उन्होंने सारी सृष्टि की और सारे जानवर और पेड़ पौधे सब की सृष्टि उन्होंने कर दी ताकि मनुष्य जो है अकेला ना रहे, उसके साथ कोई हो। और जब उसने सृष्टि की तो उन्होंने मनुष्य को कहा कि इन सभी चीजों पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और वो परमेश्वर के साथ संगति कर पाता था। लेकिन आदम और हव्वा के एक आज्ञा ना मानने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण पाप इस जगत में आया और उस पाप के कारण, उस अनाज्ञाकारिता के कारण पाप ने दुनिया में प्रवेश किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि फेलोशिप, जो परमेश्वर से फेलोशिप था मनुष्य का या आदम हव्वा का, वो उससे दूर हो गया। यानी एक डोर जो है वो लॉक, एक रास्ता लॉक हो गया जो इसमें फेलोशिप कर पाते थे लोग। मनुष्य परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने इतना प्रेम किया इस जगत से, मनुष्य से, मनुष्य जाति से, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा यहाँ। और वो जब आए इस धरती पे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए, बहुत सारे लंगड़े और अंधे लोगों को सबको उन्होंने चंगा किया और जो मर गए थे उनको भी जिलाया और एक दिन वो क्रूस पे मारे गए और क्रूस पे उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम लोगों के पाप क्षमा हो। और उस लहू बहाने के द्वारा, उस पवित्र बलिदान के द्वारा हम इस समय परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं और एक इजी एक्सेस मिलता है हमें, हम लोगों को, सारे मनुष्य जाति को एक एक्सेस मिला है कि हम परमेश्वर की संगति में आ सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु चाहता है कि हम भी यीशु मसीह के तरह, उसकी के तरह, जैसे यीशु मसीह हमें स्वर्ग तक पहुंचाते हैं वैसे ही हम दूसरे लोगों के लिए भी एक छोटी सी की के रूप में या रस्ते के रूप में कार्य करें ताकि दूसरे लोगों तक भी परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें और मैं विश्वास करती हूँ कि इस समय लॉकडाउन के समय आप सभी प्रार्थना कर रहे हो और आराधना कर रहे हो और परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो और परमेश्वर चाहता है कि और भी परमेश्वर आपको भरे और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर के मार्ग में बढ़ो और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरो और परमेश्वर भी ये चाहता है। आप प्रार्थना करो और आप प्रार्थना करोगे और पवित्र आत्मा आपको मिलेगा और जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा तो आप परमेश्वर के जो काम करोगे वो इस दुनिया के इस छोर से उस छोर तक उसके गवाह ठहरने पाओगे। थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ को परमेश्वर को दो और परमेश्वर जो बंद दरवाजा था उसके लॉक को उसने अनलॉक कर दिया जिसके कारण हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और हम लोग वो जरिया बने। बच्चों से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने कहा कि बालकों के समान यदि तुम ना बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। इसलिए आप आशीषित है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप सबसे प्रेम करता है और परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण बने। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।